भीषण गर्मी और बढ़ता हुआ क्राइम ग्राफ। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल पर। दिन भर की ताजा तरीन खबरें लेकर हाजिर हैं हम और मैं हूं के। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल रहे हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर नगर निगम का जनता को तोहफा, हर घर को मिलेंगे 2 फ्री डस्टबिन। 5 जून से होगी अभियान की शुरुआत, डोर टू डोर उठेगा कूड़ा। बोले सांसद राजेंद्र अग्रवाल, हर जिले के टॉप 10 अपराधियों का हो इंतजाम। विधायक सोमेंद्र तोमर ने सीएम को लिखा पत्र, मेडिकल कॉलेज में एम्स की तर्ज पर इलाज की मांग। IIMT के बच्चों ने पेट्रोल की घटतौली को रोकने के लिए बनाया नया फ्यूल मीटर। दिशा संकेतक की परमिशन लेकर लगा दिए यूनिपोल, कुछ बाबुओं की मिलीभगत से हुआ खेल। विज्ञापन प्रभारी ने कहा, यातायात में बाधक हटेंगे सभी यूनिपोल, पुराने मामलों को तत्कालीन प्रभारी जाने। और मेरठ बार एसोसिएशन चुनाव में अध्यक्ष पद पर रोहताश अग्रवाल ने फिर मारी बाजी, प्रबोध शर्मा हुए महामंत्री निर्वाचित। और अब खबरें विस्तार से। भीषण गर्मी, क्राइम का ग्राफ बढ़ा हुआ और 3 साल की विकास यात्रा, इन सभी बातों पर नजर जरूर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले पहली खबर पर। सबका साथ सबका विकास, इसी तर्ज पर केंद्र में आई मोदी सरकार ने अपने 3 साल पूरे कर लिए हैं। मोदी देश को तोहफा दे रहे हैं और 3 साल पूरे होने पर नगर निगम ने भी अपनी जनता को एक तोहफा देने का मन बना लिया है और अब जनता को 2 डस्टबिन फ्री में मिलेंगे और डोर टू डोर कूड़ा भी उठाया जाएगा। हालांकि डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली योजना के तहत लोगों को जेब भी ढीली करनी पड़ सकती है। कह सकते हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत नगर निगम का ये प्रयास है। इसी को लेकर नगर निगम में मेयर हरिकांत अहलूवालिया, नगर आयुक्त देवेंद्र सिंह कुशवाहा ने एक बैठक ली, जिसमें डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली 2 कंपनियों ने प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें यह तय किया गया कि 80 वार्डों की जिम्मेदारी इन दोनों कंपनियों को दी जाए और एक कंपनी को ज्यादा एक कंपनी को कम वार्ड अलॉट कर दिए जाए। 80 वार्डों में फ्री में 2 डस्टबिन देने की योजना की शुरुआत 5 जून से किए जाने की संभावना है। मेरठ में मुख्यालय जोन में 33 वार्ड है, जिनमें करीब 87,736 घर हैं। शास्त्री नगर जोन में 24 वार्ड हैं, जिनमें 78,000 के करीब घर हैं और कंकड़खेड़ा जोन में 23 वार्ड बताए जा रहे हैं, जिनमें करीब करीब 64,000 के करीब घर हैं। इस हिसाब से 80 वार्डों में 2,30,600 घर के करीब गणना की गई है। हालांकि नगर निगम 2,53,000 घरों के हिसाब से डस्टबिन वितरित करने की योजना बना रहा है और एक डस्टबिन की कॉस्ट करीब करीब 35 से 40 रुपए आने की उम्मीद है। इसके लिए टेंडर मांगे गए हैं। इस अवसर पर बताना चाहूँगा कि आज हमारी केंद्र सरकार को 3 साल पूरे होने पर जो हमारे परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमारा देश स्वच्छ रहे, हमारा देश मजबूत हो, तो इसके लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है स्वच्छ भारत मिशन के तहत कि हर महानगर बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, कूड़े से मुक्त होना चाहिए, तो आज एक तोहफे के रूप में केंद्र सरकार के 3 साल पूरे होने पर नगर निगम ने आज एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला किया है, जिसमें 5 तारीख आने वाली 5 तारीख से डोर टू डोर कूड़ा उठाने का आज एक तरीके से हमारा एग्रीमेंट होने जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि जब घर घर से कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा तो मेरठ महानगर हमारा कूड़ा मुक्त होगा। तो मैं समझता हूँ कि आज हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों की तरफ से, हमारे निगम के अधिकारियों की तरफ से केंद्र सरकार को सबसे बड़ा तोहफा ये है कि 5 तारीख से डोर टू डोर कूड़ा उठाया जाएगा। आज ये निर्णय, ये फैसला सर्वसम्मति के साथ लिया गया।
अब आपको बताते हैं कि नगर निगम ने क्या योजना बनाई है। इस योजना के तहत नगर निगम डोर टू डोर कूड़ा उठवाएगा। इसमें हरे और नीले रंग के दो डस्टबिन दिए जाएंगे। हरे डस्टबिन में गीला कूड़ा जैसे सब्जियों के छिलके, चाय की पत्ती, कटे हुए फल और उनके छिलके डाले जाएंगे और नीले डस्टबिन में सूखा कूड़ा यानी कि बिस्किट, ब्रेड के रेपर, पॉलीथीन, कागज के टुकड़े और दूसरा अन्य सूखा सामान डाला जाएगा। हर रोज डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली कंपनी की गाड़ी आपके घर पहुंचेगी, दोनों डस्टबिन से कूड़ा ले जाएगी। ये डस्टबिन निशुल्क दिए जाएंगे। हालांकि कूड़ा उठाने के लिए नगर निगम के लोगों को कुछ रकम भी देनी पड़ेगी, जिसके तहत 50 गज तक के मकानों से 30 रुपए महीना वसूला जाएगा। वहीं 50 से 200 गज तक के मकान 50 रुपए देंगे और 200 गज से ऊपर तक के मकान यानी कि बड़ी कोठियां 100 रुपए महीना देने के लिए बाध्य होंगी। बारात घर, होटल, मॉल, बड़े अस्पताल 1000 रुपए महीना के हिसाब से नगर निगम को पे करेंगे। उदाहरण के तौर पर यदि 50 गज के मकान के मालिक से एक साल में 30 रुपया महीना के हिसाब से 360 रुपए लिए जाएंगे तो हाउस टैक्स में ये रुपया जुड़कर आएगा। नगर निगम के कुछ अधिकारी चाहते हैं कि 5 जून को तीनों जोन से 10-10 वार्डों में डस्टबिन वितरित किए जाएं, जबकि कुछ अधिकारी चाहते हैं कि सबसे पहले शास्त्री नगर जोन को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अपनाया जाए, 3 महीने यहां मॉनिटरिंग की जाए, बाकी के 2 जोन्स जो बचते हैं उसके बाद ही उनमें डस्टबिन बांटे जाए। डोर टू डोर कूड़ा उठाने के लिए इस प्रोजेक्ट के बाद ही इसमें कदम उठाया जाए। नगर आयुक्त देवेंद्र सिंह कुशवाहा का कहना है कि सामाजिक संस्थान, शिक्षण संस्थान, होटल संचालक यदि चाहें तो वो भी अपनी तरफ से डस्टबिन डोनेट कर सकते हैं। आप ये मानो हर वार्ड में एवरेज आपको काम पूरा करना है, उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर चिंतित दिखे सांसद राजेंद्र अग्रवाल और उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को पिछली सपा सरकार के बदमाशों के खिलाफ लचीली कार्रवाई का खामियाजा उठाना पड़ रहा है। सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने दावा किया कि 100 दिनों के भीतर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अपराधियों को किसी भी कीमत पर राजनीतिक संरक्षण उनकी पार्टी की तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से नहीं मिलने जा रहा है। उन्होंने कहा है अब तो प्रदेश के हर जिले में टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट बननी चाहिए और उनका कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर होना चाहिए। मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर मीडिया से रूबरू होते हुए सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने अपनी प्राथमिकताओं को उंगलियों पर गिनवाया। उनकी पहली प्राथमिकता वेस्ट यूपी हाईकोर्ट की बेंच लाना है। इसके लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। फिर आईटी पार्क, फूड प्लाजा, हस्तिनापुर तक की रेल कनेक्टिविटी और मेरठ हाट को भी उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं में उंगलियों पर शामिल किया। सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने यह भी दावा किया है कि 2018 के आखिर में प्रतापपुर हवाई पट्टी से लखनऊ और इलाहाबाद तक उड़ान शुरू होने की पूरी पूरी संभावना है। जब 2012 में सरकार बनी थी तब माननीय शिवपाल यादव जी ने 2 बातें कही थी। एक तो उन्होंने कहा था कि किसी अपराधी का एनकाउंटर नहीं होगा, उन्होंने अभेदान दे दिया था। और दूसरा उन्होंने एक और बात कही कि अपराधी जो है अपने जनपद की जेल में रखे जाएंगे। मैं समझता हूँ कि दोनों जो उनकी घोषणाएं थी, जो एक प्रकार से नीतिगत घोषणाएं थी, उन्होंने अपराधियों को संरक्षण प्रदान किया और आज ये ट्रैक रिकॉर्ड है। सब लोग जानते हैं इस बात को कि प्रदेश के अंदर जहाँ कहीं भी अपराध होता था अधिकांशतः उसके अपराधी के पक्ष में किसी न किसी राजनेता का या किसी विधायक का, मंत्री का फोन आ जाता था। और इसलिए संभवतः माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को बार बार कह रहे हैं कि किसी की के दबाव में मत आइए, निष्पक्ष कार्रवाई कीजिए, मजबूत कार्रवाई कीजिए। जब सरकार बनी हमारी तो शुरू में एकदम से चीज़ें सब ठीक होती दिखाई दी और मैं मानता हूँ कि आज भी चेन स्नैचिंग है या कहीं मोटरसाइकिल की लिफ्टिंग है या पशुओं का की चोरी है, इसमें बड़ी भारी कमी आई है। लेकिन ऐसा लग रहा है पिछले 10-12 दिन से कि जैसे कुछ अपराध एकदम से हो रहे हों। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि अपराधों को, अपराधियों को किसी भी प्रकार का संरक्षण सरकार का नहीं है। मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि शासन, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात का जरूर संज्ञान लेंगे, शायद उन्होंने सोचा भी हो इस बात का, क्योंकि जैसे हम उनका जीरो टॉलरेंस पर वो चल रहे हैं। हर जिले के टॉप 10 की सूची बनवाइए और उनका कुछ ना कुछ इंतजाम कीजिए। आप देखेंगे कि इन टॉप 10 का इंतजाम होते ही पूरे प्रदेश में, हर जनपद में ये मैसेज चला जाएगा और कानून व्यवस्था ठीक होती चली जाएगी। देखिए, मुझे पूरा विश्वास है, मैंने हवाई अड्डे का इसलिए जिक्र नहीं किया कि हवाई अड्डे का काम काफ़ी बढ़ चुका है
और 2018 तक रीजनल कनेक्टिविटी के अंतर्गत मेरठ आएगा। और हमने शुरुआत में मेरठ से इलाहाबाद और मेरठ से लखनऊ दो रूट हमने मांगे हैं, बाकी आगे मेरठ से वाराणसी या और भी स्थान अन्य स्थानों पर भी हो, मुझे पूरा विश्वास 2018 के अंत तक ये काम भी हो जाए। वहीं मेरठ दक्षिण से भाजपा विधायक डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की 2 महीने 7 दिन की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी, साथ ही प्रस्तावित कामों को भी मीडिया के सामने रखा। विधायक सोमेंद्र तोमर ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में एम्स की तर्ज पर इलाज हो सके, इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। और खास बात यह है कि शासन की टीम मेडिकल कॉलेज का सर्वे भी कर चुकी है। इसके साथ ही संजय वन को पर्यटन स्थल में तब्दील करने के लिए शासन से पैसा भी स्वीकृत हो चुका है। जबकि आईटी पार्क, बस डिपो, कताई मिल, आउटर रिंग रोड, गगोल तीर्थ और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाए जाने जैसे कई कामों को लेकर वो खुद शासन के पास प्रस्ताव भेज रहे हैं। मेडिकल कॉलेज अपना 3 कमिश्नरी, मुरादाबाद, सहारनपुर और मेरठ कमिश्नरी का एक बड़ा केंद्र है, जो चिकित्सा के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। हम लोगों ने आग्रह किया माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एम्स की तर्ज पर हम अपने मेडिकल को अपग्रेड करें, यहाँ फैसिलिटी बढ़ाई जाए, उस पर हम लोगों ने आग्रह किया है। और उसके लिए सर्वे एजेंसी भी आ गई है और वो सर्वे करके गई है। कुछ इंडस्ट्री ऐसी हैं, यदि मैं कताई मिल का जिक्र करूँ, कताई मिल जो लंबे समय से बंद है, अभी हमारी जो नई औद्योगिक नीति आ रही है सरकार की, वो पुनर्जीवन का, पुनर्जीवित करने का, जो इस तरह से इकाई मृत पड़ी हैं उन इकाइयों को फिर से शुरू करा जाए, ये योजना भी माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार कर रही है। हम लोग जो हमारा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिले और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े, उसके लिए एक और विश्वविद्यालय का, एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो, एक और विश्वविद्यालय बने जिससे लोड कम हो सके। 800 के लगभग यहाँ पर इंस्टीट्यूट है जो उसके अंडर में आते हैं। इसके अलावा हम लोग जो अपना इंडस्ट्रियल एरिया है उसे डेवलप करने के लिए उन्हें फैसिलिटी मिले उन लोगों को, उस पर हम लोगों का प्रयास है, काम कर रहे हैं, आग्रह भी किया गया है। आउटर रिंग रोड, जिसके बिना हम ये सोच नहीं सकते कि मेरठ का विकास होगा, उस पर भी हम लोग वेद व्यासपुरी के किसानों, लोहिया नगर के किसानों, शताब्दी नगर के किसानों, उन लोगों से भी मिले, प्रशासन से भी मिले, प्रयास कर रहे हैं जल्दी ये समस्या का निवारण हो और नया मेरठ विकसित हो। मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर भाजपाइयों ने जगह जगह कार्यक्रम किए। इस कड़ी में पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने दिल्ली रोड के स्वामी विवेकानंद कुष्ठ आश्रम में खाना खिलाया और उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। इसके साथ ही मोदी सरकार में किए गए विकास कार्यों का भी जिक्र किया गया और 90 उपलब्धियों का पंपलेट भी जनता में बांटा गया, जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक मुख्य रूप से प्रदर्शित की गई थी। पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास के तहत मोदी सरकार काम कर रही है और गरीबों और मजदूरों को भी इन योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है।